हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा यूट्यूब चैनल अनुपशी किचन विद ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज एक नया रेसिपी का वीडियो लेके आई हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन दो प्याज़ा। ये चिकन दो प्याज़ा बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, घर में जो अवेलेबल है उसी से बनाएंगे, लेकिन टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा रहेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ ये चिकन दो प्याज़ा। चिकन दो प्याज़ा बनाने के लिए गाइस देखिए, लिए है 600 ग्राम चिकन, लिए अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, और इसके साथ कुछ मसाला का तैयारी किए हैं। इधर लिए है देखिए बारीक पिसा हुआ अदरक लहसुन, और 2 से 3 हरी मिर्च है, इसको हम लोग पीस लिए है। एक बड़ा साइज का टमाटर पीस लिए है, और इधर लिया है नींबू का जूस, और इधर देखिए 4 हरी मिर्च है, बीच से फाड़ लिए है बारीक कटा हुआ प्याज और टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। तो चलिए देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी चिकन दो प्याज़ा, घर में जो जो अवेलेबल है उसी से बनाऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले चिकन को हम लोग मैरिनेट करेंगे। तो डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च है, इसको हम लोग पीस लिया है, इसी को हम लोग डाल देंगे। इसी में डालेंगे 4 चम्मच से 2 चम्मच नींबू का जूस, लेमन जूस। इसी में हम लोग ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, इसको हम लोग हाथों से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस देखिए, मेरा मिक्स करना हो गया है, इसको हम लोग 10 मिनट में रेस्ट में रख देंगे ढक के। तो गाइस देखिए, इधर कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई गर्म हो गया, डाले हैं थोड़ा सा तेल, रिफाइंड ऑयल डाले हैं, ये पूरा चिकन रिफाइंड ऑयल से बनाएंगे। तो तेल मेरा गर्म हो गया है, इसी में हम लोग जो क्यूब में कटे हुए प्याज थे इसको हम लोग हल्का सा फ्राई करके उठा लेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। तो देखिए मेरा प्याज हल्का सा भुनना हो गया है, बस इतना ही भुनना है, ज़्यादा नहीं। तो गाइस देखिए, भुनना हो गया प्याज, बस इतना सा ही भुनना है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्याज भुनना हो गया है, हल्का सा निकाल लिए हैं। तो फिर से कढ़ाई में तेल डालेंगे, फिर से हम लोग कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल मेरा गरम हो गया, इसी में डाले हैं 1 तेज़पत्ता और कुछ खड़ा मसाला, दालचीनी, इलायची, लौंग, इसी में हम लोग ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज जल्दी फ्राई होने के लिए डालेंगे थोड़ा सा नमक, प्याज को लाइट ब्राउन कलर जैसा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन कलर जैसा फ्राई करेंगे।
तो गाइस देखिए प्याज मेरा हल्का सा फ्राई हो गया है, लाइट ब्राउन कलर जैसा फ्राई हो गया है। इसी में हम लोग ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर को कच्चापन, जब तक कच्चापन नहीं जाएगा तब तक थोड़ा सा पकाएंगे। तो गाइस देखिए टमाटर का कच्चापन चल गया है। इसी में हम लोग ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच जैसा। जीरा पाउडर छोटा डेढ़ चम्मच जैसा। धनिया पाउडर तो इसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। इसी में हम लोग ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो गाइस देखिए मसाला मेरा फ्राई हो गया है। इसी में हम लोग ऐड करेंगे जो मैरिनेट किए हुए चिकन। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस गमला में चिकन रखे थे मैरिनेट करके, इसको धो के थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर से ऐसा हम लोग चलाते जाएंगे। तो इसको हम लोग मीडियम टू लो फ्लेम में ढक ढक के पकाएंगे। तो चलिए ढक देते हैं। दो से तीन मिनट जैसा हो गया है, एक बार चला देंगे। इसी तरह दो तीन बार ढक ढक के पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम में, चिकन भी गल जाए और मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो गाइस चलिए एक से दो बार से ढक ढक के पकाए हैं, फिर से देख लेते हैं। तो गाइस देखिए मेरा मसाला चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, चिकन भी गल गया है, मसाला भी फ्राई हो गया है। देखिए चिकन भी गल गया है। इसी में हम लोग ऐड करेंगे जो क्यूब में रखे हुए थे प्याज, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। इसी के साथ फिर से फ्राई करेंगे थोड़ा सा।
हम लोग ऐड करेंगे चार हरी मिर्च, बीच से फाड़ लिए हैं। तो देखिए सब कुछ मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे, पानी एकदम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि चिकन दो प्याज़ा में पानी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जस्ट थोड़ा ग्रेवी के लिए पानी ऐड किए हैं, थोड़ा सा और लगेगा कि उबाल आ जाए एक बार अच्छे से बस। तो देखिए तो चिकन का मेरा कलर देखिए कितना अच्छा परफेक्ट कलर आया है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। चिकन भी मेरा अच्छे से परफेक्ट तरह से गल गया है। तो इसी में हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला दे के थोड़ा सा चलाएंगे 2 से 3 सेकेंड। और देखिए मेरा चिकन दो प्याज़ा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो गाइस चलिए सर्व करके दिखाते हैं, गैस ऑफ कर देती हूँ। तो गाइस देखिए फाइनली मेरा चिकन दो प्याज़ा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए कितना अच्छा बना है, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है लेकिन टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस मेरा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बोलिएगा। जो न्यू है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।